इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ डाइपोल एक डाइपोल में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जो होती है तो वो हमने फाइंड आउट करनी है तो कंसीडर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ क्यू पॉजिटिव एंड क्यू नेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी एंड वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट अ डिस्टेंस एक्स अलोंग दर्पेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज अब ये देखे डायग्राम कि हमारे पास दो चार्जेस हैं एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है दोनों का जो सेपरेशन का डिस्टेंस वो है डी ये हमने यहां पे कोई पॉइंट पी लिया जो इनके जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मरादे ये वाली लाइन देखे ना तो यहां पे नाइनटी का एंगल बन रहा है ये एक्स एक्सिस पे चल रही है ये वाई एक्सिस पे अगर हम चार्ज ले रहे हैं तो तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका डिस्टेंस जो है वो यहां से लेकर यहां तक जो है वो है एक्स है ठीक है इसका जो है वो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक आ रहा है इसी तरह इसका भी यहां से लेकर यहां तक आ रहा है ये जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई पॉजिटिव और इसकी जो है वो जो चार्ज की वैल्यू वो ई e नेगेटिव है ठीक है तो अब ये बाई सेक्टर से इधर जो है ये बाई सेक्टर बिल्कुल सेंटर में है इधर भी जो है वो डिस्टेंस इधर टोटल डी है तो इसका हाफ हो जाएगा डी बाई टू और इधर हाफ हो जाएगा डी बाई टू अब ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव आर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है और ई e नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेगेटिव चार्ज की जो है ये वैल्यू है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव आर इक्वल दोनों की जो मैग्नीट्यूड मकदारें हैं वो इक्वल है तो टोटल तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डिटर्म बाय इन दोनों को आपने अप कर देना और इन ई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव और दोनों की वैल्यू जो है ओवर ओवर पाई एप्सिलॉन का 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 प्लस स्क्र एंड डी बाई टू का स्क्र ये हमारे पास ई e और ई e पॉजिटिव की वैल्यू है तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड लाई एट एंगल थीटा एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू जी डायरेक्शन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई पॉजिटिव ठीक है ये ई e, यहां पे पॉजिटिव है पर ई प्लस नहीं था ई पॉजिटिव विल बी माइनस ई नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो मतलब जो ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी क्यों क्योंकि जो दोनों चार्जेस हैं ये वाले जो दोनों चार्जेस हैं इनके जो चार्ज की क्वांटिटी है वो बिल्कुल इक्वल है सिर्फ साइन का फर्क है ठीक है तो अब हमने जो मैग्नीट्यूड निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉन्ग जी एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू तो ई इज इक्वल टू तो तो टू प्लस कॉज ऑफ थीटा तो फ्रॉम फिगर अब ये किस तरह से जो है ये वैल्यू कैलकुलेट हुई ये मैं आपको भी बताता हूं ये जी आ, ये पेज एक पकड़ लू मैं अच्छा ये हमारे पास फर्ज करो एक ट्राई एंगल बन रही है ठीक है अगर आप गौर करें तो यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल एंगल ही बन रही है अगर हम इस चार्ज को लेते हैं तो ये एक ट्राई एंगल बन रहा है डिस्टेंस इसको हम, आर कह देते हैं, इसको हम एक्स, एक्स कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं डी बाई टू कह देते हैं ठीक है तो अब हमारे पास जो कॉज थीटा की वैल्यू होगी कॉज ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू ठीक है परपेंडिकुलर यानी कि डी बाई टू ओवर आर और जबकि आर किसके इक्वल होता है आर इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर प्लस डी ओवर टू का स्क्वेयर और इसका अंडर रूट तो यहां पे इस आर की जगह पे ये अगर आप पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है कॉस थीटा की वो ये आती है ठीक है तो पुट करना है आपने तो हमने क्या करना है अब ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है और पीछे जो हमने ये इस e की वैल्यू है वो, वो अब हमने इस इक्वेशन में जो है वो हमने पुट कर देने तो पुट करेंगे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी ठीक है तो अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल टर्म से तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू मतलब ये देखा ना यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे ये पुट कर दिया और e पॉजिटिव की जगह जो पीछे ये वाली वैल्यू है ये पुट कर दी तो ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन में हमारे पास ये रिजल्ट निकलेगा तो E ये इस से कट जाएगा ठीक है तो क्यू डी प्लस ओवर टू का स्क्वायर और सारे की पावर हो जाएगी थ्री बाई टू देखे इसकी पावर जो है वो टू है इसकी पावर जो अंडर रूट में आप देखते हैं इसकी ओवरऑल देखे न पावर ये दोनों का टू है और इधर अंडर रूट अंडर रूट जो होता है वन ओवर टू होता है प्लस टू तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यह जाएगा वन प्लस टू ठीक है इसकी पावर ओवरऑल देखें ना तो ये वन है ये नीचे तो बिल्कुल कॉमन है ना दोनों एक्स और इसका स्क्वायर है डी बाई टू और इसकी पावर है वन तो वन बाय टू प्लस वन होगा तो ये इक्वल होगा थ्री बाई टू तो ये पावर हमारे पास थ्री बाई टू आ जाएगी तो सिंस जो पी होता है ये हमारे पास जो होता है ये क्यू डी के इक्वल होता है तो क्यू डी की जगह हमने जो है वो यहाँ पे पी पुट कर देना है ठीक है अब ये देखें पी ओवर इसमें जो है अब हमने कॉमन निकालना है अब यहां पर कॉमन कैसे निकला देखें कि ये एक्स का स्क्वायर है ठीक है जब इसको खोलते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू इसको इससे काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब हमने यहां से एक्स का क्यूब इधर कॉमन ले लिया तो रिजल्ट क्या निकलना हमें यहां पर भी एक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां से भी हम एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर भी अब ये देखें इसको इस तरह समझे कि अब ये हमारे पास है x प्लस डी ओवर टू इन दोनों में से अगर हमने x कॉमन लेना है तो यहां से x कॉमन लेंगे यहां पे बचा वन प्लस d ओवर टू एक्स यहां पर जो है वो हमने इस तरह करके नीचे x से मल्ट जो है वो डिवाइड करना है अब देखिए जब आप इसको हल करेंगे दोबारा तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा डी एक्स ओवर टू एक्स तो ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म जो है वो मिल जाएगा तो यू हमने इस तरीके से हमने एक्स का क्यूब जो है वो कॉमन ले लिया अब यहां पे कॉमन लेने के बाद हमने अप्लाई बायनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो पुट करना बायोनोमियल एक्सप्रेशन से एक्सपैंड होकर वैल्यू ये आएगी हमारे पास ठीक है तो ये सारी टर्म हमने जो है वो फिर अवॉइड कर देनी और जो हमारी रिजल्टिंग है हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी टर्म को जो है वो लेना है बाकी टर्म अवॉइड कर देनी इफ अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है डी से तो देर द टर्म डी ओवर टू एक्स और टू कैन बी निगलेक्टेड मतलब ये वाली जो है ये हम कंसीडर करेंगे जीरो के तो ये जीरो है तो ये आगे जितनी बार भी आएगा ये सारा जीरो 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 होता जाएगा यहां पे हमारे पास क्या बचेगा ये वाली वैल्यू इन टू वन बचेगा ठीक है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन आएगा तो अगर होप आपको जो है वो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाजमी तौर पर आपने मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करना है वीडियो को जो है शेयर भी जरूर कर दीजिएगा